हमें ये नहीं पता था कि कुछ छुपे हुए संघी मुसलमानों में ही एक समाज में ही फसाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं बात कर रही हूँ वसीम रिजवी की। सबसे पहले मैं वसीम रिजवी, तुम्हारे कानों में मैं ये बात डालना चाहूंगी कि जिहाद है क्या। जिस तरह वसीम रिजवी ने इस बात को निचोड़ कर, तोड़ मरोड़ कर अपनी कड़वी जुबान से बात कही है, उसे उसी जुबान पर लटका देना चाहिए। ये मेरी हुकूमत से अपील है। और वसीम रिजवी ने जो 26 आयतें जो याचिका में डाली हैं, कुरान मजीद की हर आयत इंसानियत का, जुल्म को रोकने का, मोहब्बत का, इत्तेहाद का पैगाम देती है। आज उन पर तोहमत लगाई गई है, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग बुरे हालात को सुधारने वाले नहीं है, बल्कि ये बुरे हालात पैदा करना चाहते हैं। देश की सरजमीन आज बेटियों के, किसानों के, गरीबों के, महिलाओं के, आज यतीमों के लहू से सुर्ख होते जा रही है। आज उनके हक में कभी याचिका नहीं डालते। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब ये बात तो जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा से हिंदू मुस्लिम में इख्तलाफ पैदा करने की हमेशा से कोशिशें, साजिशें करती रही हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कुछ छुपे हुए संघी मुसलमानों में ही एक समाज में ही फसाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं बात कर रही हूँ वसीम रिजवी की, जिसके जहन में कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक वायरस आ गया है, जिसने परसों सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली है। तो सबसे पहले मैं वसीम रिजवी, तुम्हारे कानों में मैं ये बात डालना चाहूँगी कि जिहाद है क्या। कुरान मजीद में सूरह बकरा में 216 आयत नंबर में जिहाद का जब हुक्म हुआ, वो उस हालात में हुआ जब मजलूमों पर ज्यादती हो रही थी। उस वक्त जुल्म को रोकने के लिए जिहाद का हुक्म हुआ। जालिम को रोकना जिहाद है, मजलूमों की हिफाजत करना जिहाद है, इंसानियत के लिए लड़ना जिहाद है, इंसाफ के लिए लड़ना जिहाद है, यतीमों गरीबों की हिफाजत करना जिहाद है, धर्म की रक्षा करना जिहाद है। तारीख में जितनी भी जंगें हुई, जिहाद उसी वक्त हुआ जब जालिम मजलूमों पर गालिब आते थे, जब हथियार गर्दन तक पहुंचते थे, उस वक्त हिफाजत करना ये जिहाद था। और जहां जहां जिहाद का जिक्र हुआ है, वहां इस तरह का कहीं जिक्र नहीं है कि तुम ताकत के लिए या बादशाहत के लिए लड़ो, बल्कि ये जिक्र है कि तुम आखिरत की भलाई के लिए लड़ो, तुम गरीबों यतीमों के लिए लड़ो, तुम इंसानियत के लिए, इंसाफ के लिए लड़ो। जिस तरह वसीम रिजवी ने इस बात को निचोड़ कर, तोड़ मरोड़ कर अपनी कड़वी जुबान से बात कही है, उसे उसी जुबान पर लटका देना चाहिए। यह मेरी हुकूमत से अपील है, क्योंकि कुरान मजीद ये वो पवित्र किताब है जो लूहे महफूज में है, जिसका लफ्ज़ क्या, जिसका जेर जबर तक कोई नहीं बदल सकते। ये वो पवित्र किताब है जो एक समाज के लिए नहीं, तमाम इंसानियत के लिए आई है, जो एक किसी मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए पैगाम है, एक इंसाफ का, एक इंसानियत का, एक मोहब्बत का। ये वो पवित्र किताब है जो आसमानी किताब है, दुनिया की कोई आला कोर्ट इसमें मदाखलत नहीं कर सकती। और वसीम रिजवी ने जो 26 आयतें जो याचिका में डाली हैं, कुरान मजीद की हर आयत इंसानियत का, जुल्म को रोकने का, मोहब्बत का, इत्तेहाद का पैगाम देती है। मैं एतराज करती हूँ और खिलाफ में ठहरती हूँ। और जहाँ वसीम रिजवी ने खुलफाए राशिदीन को लेकर बात कही है, तो मैं कहूँगी कि वसीम रिजवी हज़रत अबू बकर नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहो, जिनको सिद्दीक का लखब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। हज़रत उमर नहीं, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहो, जिनको फारूक का लकब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। ये उस वक्त दिए जब एक यहूदी और मुसलमान के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर रहे थे, इंसाफ का फैसला कर रहे थे, जो फैसला यहूदी के हक में हुआ था, उस वक्त हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के साथ खड़े थे। जो खुलफाए राशिदीन अपनी तमाम जिंदगी गरीबों यतीमों के लिए अपनी जान व माल देते रहे, गरीबी में फाखे पर सादगी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहे, इंसाफ के लिए लड़ते रहे, आज उन पर तोहमत लगाई गई है, यह हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वसीम रिजवी ने सिर्फ कुरान मजीद या किसी दीन या मजहब के खिलाफ में नहीं, बल्कि भारत के संविधान का भी उल्लंघन किया है, क्योंकि भारत का संविधान धर्म निरपेक्षता की बात कहता है। वसीम रिजवी ने आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया है, 19 का उल्लंघन किया है, 15 का किया है, 29 का किया है, आर्टिकल 30 का उल्लंघन किया है। जो वसीम रिजवी और वो जो उनके जो संघी वकील है, जो कह रहे हैं कि यह अधिकार है कि जो रिमूव कर सकते हैं वो जो नुकसानदेह हो, तो मैं कहती हूँ कि इस आर्टिकल 19 में है
कि बोलने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते जिसकी वजह से मुल्क की जनता में एक खतरे का माहौल पैदा हो, एक नफरत दहशत का माहौल पैदा हो। आर्टिकल 19 का ये पूरा उल्लंघन है। मैं सुप्रीम कोर्ट से और हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसे शख्स को, ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जिसने ना सिर्फ मुल्क की किताब का बल्कि पूरी दुनिया की किताब में मदाखलत करने की कोशिश की है, नफरत फैलाने की कोशिश की है। ये लोग बुरे हालात को सुधारने वाले नहीं है, बल्कि ये बुरे हालात पैदा करना चाहते हैं। देश की सरजमीन आज बेटियों के, किसानों के, गरीबों के, महिलाओं के, आज यतीमों के लहू से सुर्ख होते जा रही है। आज उनके हक में कभी ये याचिका नहीं डालते, आज ये सिर्फ एक ऐसे मुद्दे खड़ा करते हैं जिसकी वजह से तमाम जनता जो है एक दहशत में हो जाए, एक नफरत में फैल जाए, हर तरफ नफरत का माहौल हो, ये उसकी कोशिश में लगे होते हैं। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि ये जो है याचिका रद्द कर दी जाए, और तमाम जनता से मेरी अपील है, तमाम उम्मत मुस्लिमा से, तमाम जनता से, तमाम मजाहिब के लोगों से कि इस शख्स के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठानी चाहिए और इसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। और हम खुद इंशाल्लाह बहुत जल्द FIR दर्ज करेंगे इंशाल्लाह।